एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर का होना आम बात है और उनको हंटर मारते हैं और हमारा हीरो ई रैंक हंटर है लेकिन एक दिन उसकी किस्मत चमकती है और उसको एक चीट सिस्टम मिलता है जिससे वो लेवल अप हो सकता है अब ये कैसे और कब हुआ और इसके आगे क्या होता है उसके लिए पूरे वीडियो को देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ दस साल पहले ह्यूमन वर्ल्ड में गेट ओपन हुए जो वर्ल्ड से कनेक्टेड थे और गेट के अंदर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट या थे और मेन बात तो ये उन पर मॉडर्न वेपन किसी काम के नहीं थे फिर कुछ लोगों को मैजिकल पावर मिली और उन लोगों ने मोस्टर को मार दिया और उन स्वीपर ह्यूमन को हंटर बोला जाने लगा हंटर एस रैंक ए रैंक बी रैंक सी रैंक डी रैंक एंड ई रैंक में डिवाइड हुए जहाँ एस रैंक मतलब सबसे स्ट्रॉगेस्ट और ई e रैंक मतलब सबसे हंटर और जो हंटर एक बार अवेक हो जाते हैं वो आगे और स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते मतलब अपनी रैंक चेंज नहीं कर सकते तो एन की शुरुआत तीन साल पहले बैटल शिप के अंदर एक सोल्जर अपने कैप्टन से बोलता है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए तो कैप्टन बोलता है हम लोग और हमारे मॉडर्न वेपन उनके सामने कुछ नहीं कर सकते जो करना है हंटर ही करेंगे सीन आइलैंड के अंदर कुछ हंटर पर आता है जो रेड एंट मोस्टर से फाइट कर रहे थे मैजिशियन फायर अटैक करते हैं लेकिन एंट का बाल भी बाका नहीं होता उल्टा सभी एंट हंटर को कुत्ता बना के मार के खा रही थी एक हंटर बोलता है अगर हम लोग हाई रैंक के हंटर होते तो कुछ कर पाते लेकिन वहाँ एक हीलर आता है और पेटे कुछ लोगों को हील करता है तभी हीलर के ऊपर भी एंट हमला करने आती है लेकिन हीलर का दोस्त इलेक्ट्रिक अटैक करके उसको बचा लेता है तभी वहाँ उसका सेकेंड हल्क जैसा दोस्त आता है और वो भी एंट को मारने लगता है पिटे हुए लोग बोलते हैं ये सब तो ऐसा हंटर है इलेक्ट्रिक वाला दोस्त हीलर से बोलता है तुम तो बड़े नालायक हो यार यहाँ बिना किसी डर के आ गए हीलर बोलता है मैं जितने ज्यादा लोगों को बचा सकता हूँ उतने लोगों को बचाना चाहता हूँ और मुझे पता था तुम दोनों मुझे कुछ होने नहीं दोगे तभी वहाँ एक बहुत बड़ी व्हाइट एंट आती है हल्क और इलेक्ट्रिक मैन को लगता है ये बॉस है हल्क हीलर से बोलता है तुम पेटे खुचो को सेफ रखो हीलर बोलता है ये भी कोई बोलने की बात है हल्क एंट पर अटैक करके उसके दांत पकड़ता है इलेक्ट्रिक मैन स्काई से एंट पर इलेक्ट्रिक अटैक करता है हल्क एंट के दांत तोड़ देता है और उसी के दांत से एंट पर अटैक करके उसको मार देता है तभी वहां और भी एंट आने लगती और इलेक्ट्रिक मैन बोलते हैं लगता है ये लोग बॉस नहीं है। सीन कट होता है और एक पर आता है जिसके सामने से रेड और दोनों एंट एंट आ रही थी फायर अटैक पर करता है जिससे रेड एंट तो मारी जाती है लेकिन व्हाइट एंट को कुछ नहीं होता चश्मिस अपने लोगों से बोलता है अटैक करो फिर सीन कट होता है और तीन साल बाद एक सिटी पे आता है जहाँ एक बिल्डिंग में डी रैंक गेट अपियर हुआ था वहां कुछ भी थे किम नाम का हंटर वहाँ कॉफी पी रहा था तभी वहाँ मलिंगा हेयर स्टाइल वाला उसका दोस्त पार्क आता है किम बोलता है तुमने तो हंटर की जॉब छोड़ दी थी ना तो यहां कैसे आना हुआ पार्क बोलता है कुछ नहीं यार मेरी वाइफ वाइफ फिर से हप्पू की के जैसे पेट से है और मेरा दूसरा बच्चा आने वाला है इसलिए पैसे कमाने के लिए मैं यहाँ आ गया पता नहीं मैं गेट के अंदर कैसा करूंगा क्यूँकी मैंने बहुत दिनों से फाइट नहीं की तभी वहाँ पतला दुबला पोपट लाल जैसे हमारा हीरो आता है जिसका नाम संग जिना है जिससे सब लोग बात कर रहे थे पार्क बोलता है ये बहुत बड़ा और पावरफुल हंटर है जो सब लोग इससे इतनी अच्छे से बात कर रहे हैं किम बोलता है, नहीं ये उसका उल्टा है ये तुम्हारे जाने के बाद यहाँ आया तो मैं विश्वास नहीं होगा लेकिन ये पूरी दुनिया का वीकेस्ट हंटर है पार्क बोलता है सच में किम बोलता है जब ये e डंजन में जाता है ना तब भी वहाँ से इतना पिटा और इंजर्ड होके आता है कि किसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है अब तुम इसे वीकेस्ट हंटर नहीं बोलोगे तो किसे बोलोगे फिर बोलता है लेकिन ये यहाँ आया है इसका मतलब ये है कि ये डंजन बहुत इजी होगा फिर जिनवू के पास जूही नाम की एक हीलर आती है और बोलती है जिनवू जिनवू बताओ तुम्हें ये सब कैसे हुआ बोलता है कुछ नहीं हर बार जो होता है वही हुआ फिर जूही बोलती है तुम जिस डंजन में में गए थे तब तुम्हारी पार्टी में कोई हीलर नहीं था जिनवू बोलता है मेरी पार्टी में मुझे छोड़ के सब लोग हाई रैंक के थे और डंजन लो रैंक का था तो हीलर की कोई जरूरत ही नहीं थी इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं कमजोर हूँ तभी जिनवू बोलता है देखो सब लोग अंदर जाने वाले है मिस्टर सॉन्ग नाम का आदमी बोलता है मैं तुम लोगों का नहीं सभी लोग बोलते हैं नहीं मिस्टर तो है, है, तो अच्छा है सभी लोग अंदर जाते हैं किम वो से बोलता है सभी लोगों के पीछे रहना और मरने से और घायल होने से बचना जिन बोलता है मैं पूरी कोशिश करूंगा जो ही बोलती है कोशिश नहीं घायल ही नहीं होना फिर वो लोग भी अंदर चले जाते है जिन एक चाकू निकालता है और बोलता है इसके अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं है लेकिन मैं सिर्फ यही अफोर्ड कर सकता हूँ और अंदर चला जाता है अरे मैं आपको बताना तो भूल ही गया जब हंटर अवेक हुए थे तो एस रंग हंटर ने अपना अपना गिल्ड ओपन कर लिया था जो गवर्नमेंट गिल्ड है उसका नाम हंटर एसोसिएशन है सीन हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन गो और उसके असिस्टेंट जिंसूल पर आता है जहाँ जिन्चुल बोलता है चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपकी मीटिंग में क्या हुआ चेयरमैन गो बोलते हैं वही डंजन ब्रेक एक प्रॉब्लम है लेकिन तब भी उनको डंजन के अंदर के चाहिए वैसे वो लोग भी गलत नहीं है जिसने बड़ी मुश्किल से एक मॉन्स्टर को मार के एसेंस स्टोन ले लिया था लेकिन तभी उसके ऊपर अटैक कर देता है अटैक जिनवू ब्लॉक तो करता है लेकिन उसके चाकू में क्रैक आ जाता है लेकिन

गो पर आता है जो बोलते हैं एसन स्टोन जो हाई रैंक से मिलते हैं उनको चेंज करके नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का सोचना यह है की कि माना क्रिस्टल न्यूक्लियर एनर्जी सेटर और जियोथर्मल एनर्जी से पावरफुल है और इससे इस पॉल्यूशन भी कम होता है और अभी साइंटिस्ट माना क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का ट्राई कर रहे हैं जो अच्छी और सेफ एनर्जी है लेकिन माना क्रिस्टल डंजन के अंदर ही मिलते हैं जो हंटर बस ला सकते हैं और अब सब हंटर के ऊपर ही है सीन डंजन के अंदर आता है जहाँ मिस्टर सॉन्ग और बाकी लोगों ने मिलकर डंजन बॉस को निपटा दिया था जो ही अभी भी जिनवू को हील कर रही थी और बोलती है तुम बहुत जिद्दी हो जो हंटर गिरी नहीं छोड़ सकते देखो तुम पूरी तरीके से घायल हो चुके थे आज तो मैंने तुम्हें हील कर दिया लेकिन आगे से ज्यादा बुरा भी हो सकता है फिर तुम निपट भी सकते हो जिनबू बोलते हैं सॉरी जूही मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी चिंता है पार्क बोलता है यार हमें डंजन में ज्यादा माना क्रिस्टल और ऐसा स्टोन नहीं मिले जिनबू वो बोलते हैं बताओ मैं मरते मरते बचा लेकिन मुझे सिर्फ ई ईरंग का ऐसा स्टोन मिला तभी एक आदमी बोलता है देखो यहाँ एक केव है मिस्टर सॉन्ग बोलते है मैंने इसके बारे में र्यूमर सुने हैं ये एक डबल डंजन है कुछ लोग बोलते है हाँ डंजन बॉस को मारने के बाद भी डंजन बंद नहीं हुआ मुझे कुछ अजीब तो लग रहा था मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं इस सिचुएशन

चूही भी थी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं छह वोट हाँ है और छह वोट ना है अब सब जिनबू के वोट पे डिसाइड होगा जिनबू बोलते है डी रंग गेट में मुझे कुछ नहीं मिला मेरे पापा लापता गंज के जैसी लापता है मम्मी हॉस्पिटल में है बहन को अच्छे कॉलेज में भेजना है सब मेरे कंधों पर ही है मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे उनकी जरूरत है तो जिनबू अंदर जाने के लिए हाँ मैं वोट करता है फिर सीन हंटर एसोसिएशन पर आता है जहाँ पे न्यू हंटर ब्लैक क्रिस्टल टच करके अपना रैंक जानने आए थे और बाहर बाकी गिल्ड के रिप्रेजेंटेटिव न्यू हंटर को अपने गिल्ड में रिक्रूट करने का ट्राई कर रहे थे हंटर गिल्ड का गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव अपने मास्टर चोई से बोलता है अभी हमने एक बी रैंक रैंक और दो सी हंटर को ज्वाइन करवा लिया है है चोई बोलता है, हंटर स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड है तो उनकी एज और बाकी चीजें मैटर नहीं करती उनको रिक्रूट कर लो लेकिन कोई भी न्यू हंटर हमारी चाहे इनसे ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा सीन कुछ चोरों पर आता है जो एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे थे तभी उनके सामने चाहे इन खड़ी थी जो जंप करके हवा में जाके चोरों से बैग ले लेती है और चोर गिर जाते हैं चाहे इन बैग लड़की को वापस करती है धीरे धीरे सभी लोग वहाँ आते हैं और बोलते हैं अरे ये तो एस रैंक हंटर चाहे इन है क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ मुझे आपसे हाथ मिलाना है चाहे इन वहाँ से जम्प करके भाग जाती है सीन डबल डंजन पर आता है जहाँ वो लोग चालीस मिनट से चल रहे थे और डंजन बॉस के मरने के एक घंटे बाद डंजन ग और बंद हो जाएगा तो उनके पास सिर्फ बीस मिनट थे जिन वो जूही को सॉरी बोलता है तुम लंबा लेट गए होते मतलब मर गए होते मैंने अभी तुम्हारे हाथ पैर किए है क्या तुम्हारा स्क्रू हिला हुआ है जो तुम यहाँ आए हो जिन वो मन ही मन बोलता है जूही बेरंग हीलर है उसी ने मुझे पता नहीं कितनी बार बचाया है जिन वो बोलते हैं मुझे सब समझ आ गया लेकिन तब भी सॉरी जो ही बोलती है अगर सॉरी ही बोलना है तो ये सब खत्म होने के बाद मुझे ट्रीट दे देना। अब हम आगे क्या करें किम बोलता है जो हमने डिसाइड किया था वही करेंगे तेरह के तेरह लोग अंदर जाएंगे क्यों मिस्टर सॉन्ग ये सही है ना सीन न्यू अवेकन हंटर पर आता है जहाँ पर चेयरमैन वो बोलते हैं गेट और हंटर को आए हुए दस साल बस हुए हैं ये अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई है आप सभी लोग अभी अभी एंटर बने हो लेकिन डंजन के अंदर बहुत खतरा रहता है जो लोग बहुत बार डंजन रेड कर चुके हैं वो भी डंजन के अंदर अपना गार्ड डाउन नहीं करते तो मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग डंजन में जाएं तो सतर्क रहें सीन डबल डंजन में आता है जहां वो सब लोग डोर खोल के बिना पूछे अंदर आ गए थे लेकिन अंदर बहुत बड़ी बड़ी अजीब सी मूर्तियां थी लेकिन उन सब में भी एक बहुत बड़ी मूर्ति थ्रोन में बैठी हुई थी सब लोग बोल रहे थे यहाँ तो नील बटे सन्नाटा है यहाँ तो कोई मैजिकल बीस्ट और माना क्रिस्टल नहीं है तभी मिस्टर सॉन्ग को कुछ लोग बुलाते हैं और बोलते हैं देखो यहाँ कुछ लिखा है एक मूर्ति के ऊपर लिखा हुआ था ये एक टेम्पल है और यहाँ की कुछ रूल है पहला रूल भगवान का आदर करो दूसरा रूल भगवान की पूजा करो तीसरा रूल भगवान के प्रति अपना विश्वास साबित करो जूही जिनवू से बोलती है मुझे लग रहा है इस बड़ी मूर्ति की आंखें हिली और ये हमें देख रही है मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं जो लोग लोग भी ये रूल फॉलो नहीं करते वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते तभी डंजन का गेट बंद हो जाता है एक डी तो तो निपटा देती है ये देख के सब लोग हैरान और शौक थे और बोलते है क्या हमें मैं इन बड़ी बड़ी मूर्तियों से फाइट करनी होगी इसका मतलब तो यही हुआ की सबसे बड़ी मूर्ति भी चल सकती है जिन वो बोलता है जब वो डी हंटर पलक झपकते ही मर सकता है मैं तो सिर्फ ई e रैंक हूँ तो मेरा क्या होगा जिन वो डरते डरते पीछे देखता है और बड़ी मूर्ति की आंखें मूव करती हैं फिर जिन वो हमें बताता है वो अपनी फर्स्ट रेड में अपनी पार्टी से दूर हो गया था और उसे इतना घायल कर दिया कि उसे एक हफ्ते हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और एक बार तो वो भूखा प्यासा एक लेब्रेंट में फंस गया था जहाँ सब हंटर एसेंट स्टोन बेच के पैसे कमाते थे और अच्छे वेपन ले रहे थे तब मैं सिर्फ एक चाकू ले सकता था और वो भी टूट गया तो मुझे अपने हाथों से फाइट करनी होती थी इसी सब की वजह से जिन अपने जान हथेली में रख के फाइट करता था और मौका देख के कुछ बीस्ट को मार देता था इसी से जिनबू को जिंदा रहने और लाइफ डेथ सिचुएशन के बारे में बहुत में बहुत एक्सपीरियंस था प्रेजेंट जिनबू सब लोगों से बोलता है नीचे झुको तभी बड़ी मूर्ति अपनी आंखों से लाइट बीम फायर करती है जिसमे बहुत लोग बच जाते हैं और कुछ लोग मारे जाते हैं लेकिन सबकी पैंट तो गीली हो चुकी थी जिनवू ने जूही को तो बचा लिया था लेकिन वो बहुत डरी हुई थी जिन बोलता है ये सब यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है हम लोग यहाँ ट्रैप हो चुके हैं और मरने वाले हैं सभी लोग बहुत डरे हुए थे मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कोई अपनी जगह से नहीं हिलना मूर्ति मूविंग टारगेट पर अटैक कर सकती है जू ही डर के मारे अपने कान बंद करे हुए थी जिनवू से बोलते हैं तुम्हारी वजह से हम लोग जिंदा हैं नहीं तो मारे जाते जिनवू बोलते हैं मुझे खतरे का आभास हुआ तो मैंने बता दिया और कुछ नहीं और देखता है की मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है फिर जिनवू ही मिस्टर सॉन्ग की पट्टी करता है वैसे ये काम जूही का था क्योंकि वो एक हीलर है लेकिन वो बहुत डरी हुई है लेकिन वो बोलते हैं ये डबल डंजन की मूर्तिया ए रैंक या एस रैंक की है और जो मूर्ति में लिखा था की भगवान की पूजा करो भगवान पर भरोसा रखो और जो ये नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता जिन वो बोलता है भगवान की पूजा करने की बात हो रही है वो ये बड़ी सी मूर्ति है क्या सीन फिर एक स्कूल पर आता है जहाँ जिनवू की बहन की दोस्त जो लेट स्कूल आई थी वो पूछती है जिन्हा तुम्हारा भाई भी एक हंटर है ना जिन्हा बोलती है वो एक ई e रैंक हंटर है और रोज पिट्टा और घायल घर आता है दोस्त मन ही मन बोलती है मैं जब ई e रैंक हंटर बनूंगी तो जिनवू से तो अच्छी ही बनूंगी सीन डबल डंजन पर आता है जहाँ एक हंटर बोलता है मैंने अभी अभी एक बड़े गिल्ड को ज्वाइन किया है मैं ऐसे नहीं मर सकता मैं अपनी फ्लैश की स्पीड से यहाँ से जा सकता हूँ वो अपनी फ्लैश स्पीड से डोर की तरफ जा रहा था लेकिन गॉड मूर्ति लेजर बीम फायर करके उसको जला के राख कर देती है जिन वो, वो सोच रहा था अब हम क्या कर सकते हैं तभी उसको मूर्ति के रूल के बारे में याद आता है और मिस्टर सॉन्ग से पूछता है पहला रूल क्या है मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं भगवान का आदर करो जिन वो ऊपर उठता है तो गॉड मूर्ति लेजर बीम फायर करने वाली थी लेकिन जिन वो बैठ जाता है तो लेजर बीम फायर नहीं होती जिन वो सबसे बोलता है हमें गॉड मूर्ति का आदर करना होगा सब लोग पहले तो ये बात नहीं मानते फिर कोई चारा होने पर आदर करने लगते हैं तो गॉड मूर्ति कुछ नहीं करती बल्कि बहुत ही स्माइल करती है सबको लगता है है अब सब ठीक हो गया है। तो वो सब खड़े हो हो जाते हैं तो गॉड मूर्ति भी खड़ी हो जाती है फिर जिनबू बोलता है सेकेंड रूल क्या था मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं भगवान की पूजा करना तो वहाँ एक हंटर बोलते हैं मुझे पूजा करते आती है और वो बैठ के पूजा करने लगता है लेकिन गॉड मूर्ति को यह पसंद नहीं आता तो वो उसको अपने पैरों से कुछ देती है और एक लड़की के साथ भी ऐसा ही करती है वहाँ अफरा तफरी मच जाती है सब लोग भागने लगते है पार्क अपनी फैमिली को याद करता है जो उसका घर में वेट कर रही थी और वो एक मूर्ति के पास आता है लेकिन वो मूर्ति उसको बीच से काट देती है और वो मर जाता है जिन वो जूही को लेके भाग रहा था और बोलता है गॉड मूर्ति की कोई पूजा कैसे कर सकता है ये भगवान से ज्यादा शैतान है तभी जिनबू को सब जगह दिखता है कुछ मूर्तियों के पास वेपन है और कुछ के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिन वो मिस्टर सॉन्ग से बोलता है जिन मूर्तियों के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप उनके पास जाओ मिस्टर सॉन्ग जाते हैं और और मूर्ति इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है 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 किम भी ऐसा ही करता है और बच जाता है। और वाली के पास है। लेकिन वो ड्रम नहीं बजाती जिन वो समझ जाता है एक मूर्ति मतलब एक इंसान जिन वो जूही को वहाँ छोड़ के दूसरे इंस्ट्रूमेंट वाली मूर्ति के पास जाने लगता है गॉड मूर्ति उसको मारने आ रही थी डर के मारे जिन वो वेपन वाली मूर्ति के पास जाता है और

खून निकलने लगता है कि मैं सबका दोस्त मिस्टर सॉन्ग पर डालता है और बोलता है तुम्हारी तो वजह से हम लोग यहाँ आके फंस गए वो बात अलग है सब लोग वोट करके यहाँ आए थे लेकिन फिर भी मिस्टर सॉन्ग इन सब का जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं तभी ग्राउंड के बीच से एक प्लेटफॉर्म टाइप चीज बाहर आती है जिनबू बोलता है ये तो पुराने जमाने का ऑल्टर है जिसमें किसी की बलि दी जाती है और यही तीसरा रूल है भगवान पर भरोसा रखो किम बोलता है मुझे भी इतना पता है और मिस्टर सॉन्ग की गर्दन में तलवार रख के बोलता है तो

मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकते हैं इसलिए हंटर को सात दिन की टाइम लिमिट के अंदर ही डंजन बॉस को हरा के गेट को बंद करना होता है जिन वो बोलते हैं अगर ये डंजन का गेट रिमूव हो गया तो ये गॉड मूर्ति और बाकी मूर्तियां ह्यूमन वर्ल्ड में जा सकती हैं जिन जूही और किम से बोलता है आप लोग ये अंदर आ जाओ उन दोनों के अंदर आते ही राइड के साथ साथ थोड़े दूर ब्लू फायर भी जलने लगती है जो किसी टाइमर के जैसे थी जिसके साथ डोर भी ओपन हो गया था और बाकी मूर्तियां धीरे धीरे उन लोगों के पास आ रही थी जिन वो सोचता है ये कोई ट्रैप है या हम लोग सच में बाहर जा सकते हैं जिन वो को एक बात पता चलती है अगर वो मूर्ति को देखता रहेगा तो वो लोग रुक जाएंगी ये बात सबको बताता है लेकिन एक लड़की डर के मारे वहाँ है जिसके साथ उसकी फायर गायब हो जाती है और डोर थोड़ा सा बंद हो जाता है फिर एक और लड़का वहाँ से भाग जाता है और उसके साथ भी यही होता है सीन जिनवू की बहन जिन्हा पर आता है जो अपनी मम्मी को देखने हॉस्पिटल आई थी और उनसे बात करती है लेकिन उसकी मम्मी कोमा में थी तो वो कुछ नहीं बोलती प्रेजेंट में जिनवू बाकी लोगों से बोलता है यहाँ से नहीं जाओ ये एक टेस्ट है जिससे हमें अपना ट्रस्ट उस गॉड को साबित करना है और सभी ब्लू फायर के बुझने के बाद हम यहाँ से जा सकते है।, किम बोलता है या उसका उल्टा भी होता है हम सब लास्ट में मर सकते हैं और बोलता है मुझे लगा नहीं था तुम्हारे जैसा दुनिया का वीकेस्ट हंटर भी हमारे इतनी काम आ सकता है तुम्हारी वजह से हम अभी तक जिंदा हैं लेकिन मेरी फैमिली मेरा घर पर इंतजार कर रही है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा रहा हूँ और चला जाता है जिनवू रोने लगता है मिस्टर सोंग जिनवू से बोलते हैं तुम और जूही यहाँ से जाओ मैं यहाँ रुकता हूँ मैं तुम जैसे जवान लोगों को मरने नहीं दे सकता लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा अपनी पावर यूज कर ली थी तब जिनवू मिस्टर सोंग से बोलता है आप जूही को लेके यहाँ से जाओ मैं तो चल नहीं सकता जूही जिनवू के साथ रुकने की जिद कर रही थी जिनवू अपना ई रंग का एशन स्टोन जूही को देते हुए बोलता है इसको बेच के मेरे साइड से खाना खा लेना तभी मिस्टर सौंग जूही को कराटे चौप मार के बेहोश कर देता है और उसको लेके चला जाता है जिन वो रोने लगता है और बोलता है मैं अभी तक जिंदा बच चुका हूँ सभी लोग मतलब ही होते हैं सिर्फ उनकी फैमिली बस वेट कर रही है क्या मेरी भी फैमिली है जो मेरा इंतजार कर रही है लेकिन मैं यहाँ बिना लड़े तो मरूंगा नहीं उसके पास एक तलवार थी जिसको उठा के वो मूर्तियों से लड़ने को रेडी था लेकिन एक छोटा सा आदमी बड़ी बड़ी मूर्तियों से क्या ही लड़ता उल्टा वो मूर्तियां जिनवू को बहुत मारती है है, जिसमें उसका एक हाथ भी कट जाता है फिर उसको ऑल्टर के ऊपर फेंक दिया जाता है जहां मूर्ति तलवार से उसको मारने वाली थी जिन वो बोलता है मुझे मरना नहीं है मुझे एक और चांस चाहिए तभी हमें एक नोटिफिकेशन विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा था आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुके हो आपका दिल जीरो पॉइंट में बंद हो जाएगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो यस क्लिक करो और फिर यस क्लिक हो जाता है जिनवू को तीन दिन बाद हॉस्पिटल में होश आता है जिनवू देखता है उसके कटे हुए हाथ पैर सही सलामत है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है तभी उसके रूम में हंटर एसोसिएशन से जिंचुल और कैंग मिलने आते हैं और बोलते हैं तुम तीन दिन से बेहोश थे जिन वो फिर अपने टीम मेंबर मिस्टर चौंग और जूही के बारे में पूछता है वो लोग बोलते हैं वो दोनों ठीक तो है लेकिन मिस्टर चौंग हंटर से रिटायरमेंट लेने वाले है क्यूँकी उनका एक हाथ कट चुका है और रही जूही की बात तो वो मेंटली बहुत परेशान है उस इंसिडेंट को देख अभी उसकी मेडिकेशन चल रही है मुझे लगता है कुछ दिनों में वो भी हंटिंग ट्विट कर दे और बताते हैं उस डबल डंजन के अंदर तेरह लोग गए थे लेकिन सिर्फ छह वापस आए जो सर्वाइवर बाहर आए थे उनकी रिपोर्ट पर व्हाइट टाइगर गिल्ड तुम्हारे पास आया था लेकिन वहाँ कोई भी टेम्पल और मूर्तिया नहीं थी सिर्फ तुम वहाँ बेहोश मिले थे अगर हमें वहाँ बाकी डेड बॉडी नहीं मिली होती और सर्वाइवर की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी मिलती तो हम लोगों का पूरा शक तुम्हारी टीम और तुम्हारे ऊपर आता फिर जिंचुल बोलता है लगता है तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है नॉर्मली तो सब लोग एक बार अवेक होते हैं लेकिन रेयर केस में कुछ लोगों की सेकेंड अवेकनिंग होती है जिससे उनकी रैंक ए या एस हो सकती है जिनबू भी बहुत खुशी के साथ बोलता है मेरी सेकेंड अवेकनिंग हो सकती है फिर कैंग मैजिक स्टोन लाता है जिसमें अवेकनिंग हुई है की नहीं वो पता चलता है जिनचुल सोच रहा था जैसे सब लोग बता रहे हैं वो डबल डंजन पक्का एस रैंक का होगा और उन एस रैंक मूर्तियों को एस रैंक हंटर ही मार सकते हैं और हमें वहां जिनबू मिला है इसका मतलब तो यही निकलता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई है है और उसी ने सबको हराया है जिनबू के टेस्ट का रिजल्ट कुछ खास नहीं आता उसका स्कोर टेन आया था यह सब देख के जिनचुल और और कैंग बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं बोलते नॉर्मल हंटर की पावर और उसका स्कोर भी 7 होता है ये तो ऑर्डिनरी मैन ही है जिनचुल सोच रहा था ये सब क्या है वो डबल डंजन भी गायब हो गया है तो हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते सीन जिनवू पर आता है जो सोच रहा था मेरे सामने जो ये नोटिफिकेशन विंडो है क्या मैं बस उसी को देख सकता हूँ और ऐसी विंडो जब आई थी तब मैं मरने वाला था और मैंने यस क्लिक किया था तभी वहाँ उसकी बहन जिना आती है और बोलती है बताओ बाकी सब हंटर सही सलामत बाहर आते हैं और एक तुम हो जो हर बार सीधा हॉस्पिटल आते हो जिन वो सोच रहा था मैंने तो इसे हमेशा के लिए बाय बोल दिया था जिना बोलती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना स्कूल छोड़ के जॉब करना स्टार्ट कर दूंगी जिससे तुम्हें तो हंटर का, का काम ना करना पड़े जिनवू बोलता है मेरी बातें मैं सब समझ गया लेकिन ये बताओ तुम्हें ये दिख रहा है जिन्हा बोलती है कुछ नहीं दिख रहा जिन वो बोलता है वो छोड़ो तुम एक गेमर हो ना तो ये बताओ वीडियो गेम में हम नोटिफिकेशन कैसे रीड कर सकते हैं जिना बोलती है पक्का तुम्हारा कोई ना कोई स्क्रू तो ढीला हो चुका है फिर बताती है वो मेल सेक्शन में जाता है और वहाँ से चली जाती है रूम के बाहर उसकी फ्रेंड सॉन्ग उसका वेट कर रही थी ये नोटिफिकेशन विंडो वॉइस कमांड से वर्क करती है जिसमे लिखा था ये सिस्टम विंडो प्लेयर को और डेवलप करने के लिए बनाई गई है सिस्टम की बात मानने से जिनबू को रिवॉर्ड मिलेंगे और ना मानने से पेनल्टी फिर जिनबू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की विंडो ओपन करता है जिसको डेली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में साईतामा के जैसे हंड्रेड पुशअप हंड्रेड सिटअप हंड्रेड स्कॉट टेन किलोमीटर रनिंग करनी थी अगर जिनबू ये सब नहीं करेगा तो सिस्टम के साइड से उसको पेनल्टी मिलेगी जिनबू इस सब को हल्के में लेता है और बोलता है मैं अभी एक पेशेंट हूँ और कुछ नहीं कर सकता सीन जिनचुल पर आता है जो चेयरमैन गो को बताता है की अवेकनिंग नहीं, नहीं हुई चेयरमैन गो बोलते हैं ये सब बहुत मिस्टीरियस है और बहुत अजीब अभी भी हम गेट और डंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते अच्छा है वो डंजन ब्रेक नहीं हुआ तुम एक काम करो इसको स्पेशल इस केस बना के डाटा बेस में एंटर कर दो जिसके बाद हम इस बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे सीन हंटर गिल्ड के गिल्ड मास्टर चोई पर आता है जो चाहे इनसे बोल रहा था तुम न्यू हंटर के साथ ए रैंक गेट में उनकी इंस्ट्रक्टर बनके जाओ ये न्यू रिक्रूट हंटर की ट्रेनिंग के जैसे है चाहे इन बोलती है, मुझे इंस्ट्रक्टर का, का काम अच्छे से नहीं आता, चोई गिल्ड मैं से एक है लेकिन नेशनल लेवल में कुछ नहीं हम हंटर खुद की लेवल और रैंक तो इंक्रीज नहीं कर सकते लेकिन प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हैं जिससे हमें जरूरत के टाइम पे स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं फिर सीन रात में आता है जहां रोड के बीचों बीच गेट ओपन हो गया था सब लोग बोलते हैं हंटर जल्द से जल्द इस डंजन को क्लियर कर दे हैं। सीन जिनवू पर आता है जो मस्त सो रहा था तभी नोटिफिकेशन आती है कि जिनवू ने अपनी डेली क्वेस्ट पूरी नहीं की है जिसको उसकी पेनल्टी मिलेगी वहाँ सब कुछ हिलने लगता है जिनवू को लगता है भूकंप आ गया नेक्स्ट सीन में वो एक डेजर्ट में था जिसके पीछे बहुत बड़ा रेड सेंटिपीड मॉन्स्टर था जिनवू को चार घंटे तक अपने आप को जिंदा रखना था और यही उसकी पेनल्टी थी सीन हॉस्पिटल में आता है जहां नर्सेस देखती हैं अपने रूम से गायब हो चुका है लेकिन यहाँ जिनबू रेडर से भाग रहा था और वहां एक नहीं बहुत सारे थे जिनबू को अभी भी दो घंटे तक और जिंदा रहना था हॉस्पिटल के अंदर नर्सेस सोच रही थी काली अंधेरी रात में जिनबू अपने रूम से कहा चला गया वो फिर से रूम में चेक करने जाने वाली थी और इधर डेजर्ट में जिनवू भाग भाग के थक चुका था और सेंटिपीड मॉन्स्टर उसको मारने ही वाला था कि चार घंटे पूरे हो जाते हैं और वो रूम पर आ जाता है और नर्सेज भी जिनवू को रूम में देख के शौक थी सीन जूही पर आता है जिसको एक हंटर डंजन रेड में बुला रहा था वो बोलता है ये एक डी रैंक डंजन है और हमें हीलर की जरूरत है लेकिन तुम नहीं आना चाहती तो नहीं आओ जूही अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई थी उस हंटर से जूही को पता चलता है कि जिनवू को होश आ गया है नेक्स्ट सीन में जूही फ्लावर लेके जिनवू से मिलने आई थी लेकिन जिनवू तो अपनी डेली क्वेश ट्रेनिंग कर रहा था नर्सेस बोलती है जब से ये लड़का उठा है तब से रोज ट्रेनिंग करता है जिनवू को पिछले चार में सिस्टम और नोटिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था जैसे ट्रेनिंग क्वेस्ट पूरा करने से जिनवू को तीन रिवॉर्ड मिलते हैं जिसमें पहला फुल रिकवरी जिसमें जिनवू पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और उसकी थकान भी चली जाती है सेकेंड है एबिलिटी पॉइंट जिससे वो अपनी पावर इंक्रीज कर सकता है जिससे जिनवू अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है और सिस्टम इन्वेंट्री जिसमे वो अपने वेपन रख सकता है जिनवू हंसता है और बोलता है मेरी लाइफ तो किसी वीडियो गेम के प्लेयर के जैसी है सब लोग जिनवू को एलियन की तरह देख रहे थे हॉस्पिटल में जिनवू को थर्ड रिवॉर्ड में एक लूट बॉक्स मिलता है जिसमे उसको रोज बैंडेज या पेन जैसी फालतू चीजें मिलती है लेकिन आज उसको एक ही मिलती है इसकी से स्टेशन के कोई तीन गेट में से जिन वो इंस्टेंट बुला सकता है फिर न्यूज में बता रहे थे कि आज कहां कहां गेट ओपन हुए हैं जिन वो अपनी कोमा में सो रही मम्मी से मिलने आया था चार साल पहले एकदम से उसकी मम्मी बेहोश हो गई थी डॉक्टरों ने बताया कि इनको इटर स्लीप और फाइनल स्लीप डिजीज हो गई है ये डिजीज गेट अपियर होने के बाद आई है ऐसा बोला जाता है ज्यादा टाइम तक ज्यादा अमाउंट ऑफ माना के पास रहने से यह डिजीज होती है अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है हमें इनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ही रखना होगा फिर जिन वो पैसे कमाने के लिए मजदूर बन जाता है फिर एक दिन उसे पता चलता है वो अवेकन हो चुका है और ई रैंक हंटर बन चुका है ये बात वो जिन्हा को भी बताता है और बोलता है अब मैं मम्मी के हॉस्पिटल का खर्चा भी उठा सकता हूँ लेकिन जब जिनवू डंजन के अंदर जाता है तो वो एक गॉबलिन भी नहीं मार पाता उसके टीम उसको बचाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ से जाओ कहीं छुप जाओ और जैसा तुम काम करोगे वैसा तुम्हें तो रिवॉर्ड मिलेगा जिनवू सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है प्रेजेंट में जिनवू अपने सभी एबिलिटी पॉइंट अपनी बढ़ाने में लगा देता है और मेट्रो स्टेशन के रास्ते के बाहर खड़ा था और बोलता है मैंने सभी तैयारी कर ली है और ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होगी तो मैं वहां से भाग जाऊंगा और की निकाल के इंस्टेंट बाहर नहीं आ सकता था लेकिन नहीं है ये किसी रेड गेट की तरह तभी नोटिफिकेशन से उसको पता चलता है वो इंस्टेंट डंजन के बॉस को हरा के या टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके ही बाहर जा सकता है जिनवू बोलता है मेरे भागने का प्लान धरा का धरा ही रह गया और बोलता है जो एक ई रैंक को भी नहीं मार सकता वो डंजन बॉस को बिना किसी पार्टी की हेल्प से हरा सकता है कि नहीं लेकिन कोई और ऑप्शन ना होने पर वो सीढ़ी से नीचे आ जाता है है जहां उसके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे की फट जाती है और उसको पहले वाली गॉबलेन फाइट याद आती है जिसमे वो घायल हो गया था लेकिन फिर उन सबकी बहुत देर फाइट चलती है जिसमे जिनबू पिट रहा था लेकिन वो हिम्मत करके एक गॉबलिन की छाती में चाकू घोप के उसको मारता है और खुद ही हैरान होता है और बोलता है मैं तो स्ट्रॉन्ग हो गया फिर वो दूसरे गोबलिन को हेड शॉट मार के मारता है और तीसरे गोबलिन को बीच से काट देता है और अपनी जीत की खुशी बना ही रहा था कि वहाँ एक रेड वुल्फ आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है जिन्हें वो अपने चाकू से वुल्फ को रोकता है लेकिन इसमें उसका चाकू ही टूट जाता है जिनबू के पैर डर के मारे कांप रहे थे का समझ जाता है ये गॉबलिन से ज्यादा पावरफुल है और वुल्फ फिर से अटैक करता है जिससे जिनबू घायल हो जाता है और और समझ जाता है अगर वो यहाँ बिना हीलर के घायल हो जाता है तो उसका यहाँ राम राम सत्य हो सकता है वुल्फ जोर से चिल्लाता है और जिनबू पर फिर से अटैक कर देता है फिर जिनबू वुल्फ का अटैक जंप करके डॉज करता है जिनबू अपने आप को अब बहुत लाइट फील कर रहा था लेकिन फिर से वुल्फ पर अटैक करता है जिनबू के पास चाकू नहीं था तो वो अपने हाथों से वुल्फ को पंच मारता है जिससे वुल्फ दूर जाके गिरता है लेकिन उसको ज्यादा कुछ नहीं होता जिनबू का पता चलता है उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हाई है फिर वो लगातार वुल्फ को पंच मारता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता बल्कि वोल्टा गुस्सा हो जाता है जिनबू सोचता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता और वहां से भागने लगता है जिनबू के पास बैंडेज और बाकी हीलिंग आइटम नहीं थे उसके बैग में सिर्फ खाना और पानी था पता नहीं ये क्या सोच के हीलिंग आइटम नहीं लाया खैर फिर बोलता है काश मेरे पास कोई मैजिकल वेपन होता तभी उसको इन्वेंट्री के बारे में याद आता है और वो इन्वेंट्री से एक तलवार बाहर निकालता है जो इन्वेंट्री में कहा से आई वो उसको खुद नहीं पता था लेकिन ये मिस्टर किम की तलवार है जिसको उन्होंने तीन मिलियन में खरीदा था फिर जिनवू और उसी से सामने से आ रहे वुल्फ को मार देता है जिससे उसके सभी इंजरी हील हो जाती हैं लेकिन फिर दो और रेड वुल्फ आ जाते हैं जहां जिनवू उन पर अटैक कर देता है लेकिन वुल्फ अपने मुंह से उसको रोक लेता है जिनवू बोलता है बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये तलवार मिली है मैं तुम्हें ऐसे डैमेज करने नहीं दूंगा और उसको किक मार के दूर करता है

तो जिनवू ने सिर्फ स्ट्रेंथ इंक्रीज की है और थर्टी टू स्ट्रेंथ में भी जिनवू लाइट वेट फील कर रहा है जिनवू इस सबसे और स्ट्रॉन्ग हो सकता था जिनवू मैजिकल बीस्ट के पास जाता है जहाँ मैजिकल बीस्ट के आइटम देता है और सिस्टम में एक शॉप था करंट लेवल में जिनवू वहाँ आइटम सेल बस कर सकता था आइटम सेल करके जिनवू को बीस गोल्ड कॉइन मिलते हैं जिनवू बोलता है इस डंजन को मैं सिर्फ बॉस को मार के और टेलीपोटेशन स्टोन से बाहर जा सकता हूँ मैंने पांच बीस मारे हैं और इतना खुश हो रहा हूँ जो एक रेड वुल्फ दुम दबा के भागा था वो बैकअप में अपने, अपने हल्ला बोल देता है और गाजर मूली की तरह उनको काट रहा था भाई लोग वो इतने सारे वुल्फ को मारता है की उसकी तलवार की हालत भी टूटी फूटी हो गई थी और उसको वुल्फ असैशन का टाइटल मिलता है जिसमें

वो अब ठीक है और उस इंसिडेंट से बाहर आ गया है तो वो भी डंजन ब्रेक में जाने के लिए मान जाती है इधर जिन बोलता है मैं और लेवल अप होके डंजन बॉस को हरा सकता हूँ फिर आगे चल के जिनबू बहुत सारे बीस्ट को मारता है जिससे उसको पता चलता है जिस बीस्ट के नाम वाइट से आएंगे वो उससे वीक है जिनका नाम ऑरेंज से आएगा वो उसके लेवल के है और जिनका नाम रेड से लिखा आएगा वो जिनवू से ज्यादा स्ट्रोंग है और ये भी था पहले रेड वुल्फ का नाम ऑरेंज से आता था लेकिन अब वो व्हाइट से आता है जिसका मतलब ये है कि जिन लेवल अप होके उनसे स्ट्रांग हो गया है लेकिन इतना लेवल होने के बाद भी जिनबू की सीढ़ी से और नीचे जाने में फट रही थी जहां डंजन बॉस था और अब जिनबू का ऊपर और लेवल अप नहीं हो रहा था और उसकी तलवार भी टूटने वाली थी इसी सब के चलते जिनबू नीचे जाने लगता है है और देखता है, वो तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में है जो बहुत अजीब है और वहाँ पानी भरा हुआ है तभी पानी से कोई चीज जिनबू पर अटैक करती है जिसमे जिनबू की तलवार टूट जाती है उस पर अटैक डंजन बॉस ने किया था जिसका नाम ऑरेंज से आता है उसका नाम ब्लू फैंग है जिनबू बोलता है इसकी स्किन तो किसी आर्मर की तरह है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता उसे अपने हाथों पर ही भरोसा था बॉस अटैक करता है लेकिन जिनबू टूटी तलवार से उस पर अटैक करता है इससे बॉस बॉस को को कुछ नहीं होता बल्कि पूछ मार के को दूर फेंकता है और फिर उन दोनों का पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू होता है जिसमे जिनबू पिट रहा था जिनवू बोलता है मेरे इतने लेवल अप होने का और ताकतवर होने का भी कोई फायदा नहीं निकला क्यूँकी मैं बॉस को तो हरा ही नहीं सकता और बोलता है मैं ऐसे नहीं मर सकता और टूटी तलवार से बॉस को मारने का ट्राई करता है और उसको याद आता है जब सब उसको काइंड का हंटर बोलते थे तब सॉन्ग ने बोला था सब लोगों को ताकतवर बनकर बताओ और उनका मुंह बंद कर दो जिनव को तो बॉस से डर भी नहीं लग रहा था क्योंकि इससे ज्यादा तो गॉड मूर्तियां डेंजरस थीं जिन बोलता है जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो लोग वीक को डरा सकते हैं वीक अगर इंटेलिजेंट और स्मार्ट भी क्यों ना हो लेकिन ताकत के सामने हार ही जाता है। लेकिन अब मैं और वीक और कमजोर नहीं रह सकता मुझे ताकतवर होना ही होगा और बॉस जाता है। और अपने पूरे point, के ऊपर के बाद वो बॉस को हरा देता है और उसका लेवल अप भी हो जाता है रिवॉर्ड में जिनवू को स्नेक फैंग से बना हुआ डैगर मिलता है जो मिस्टर किंग की तलवार से ज्यादा पावरफुल था और इसमें पैराल नोटिफिकेशन आता है आपने बॉस को हरा दिया है डंजन रिबूम होने वाला है फिर जिनवू नॉर्मल वर्ड में आ जाता है और बाहर आके देखता है कि सब जगह तो सन्नाटा है एक सोल्जर जिनबू को सिविलियन समझ के सेफ्टी में जाने को बोल रहा था क्योंकि बाहर डंजन ब्रेक हुआ है सोल्जर को जब पता चलता है जिनबू हंटर है तो वो उसको बाकी हंटर के पास ले जाता है जिनबू की परसेप्शन पावर इंक्रीज हो गई थी जिससे जिनबू को पता था बॉस से अभी हंटर फाइट कर रहे हैं बॉस एक गोलम था हंटर उसकी डिफेंस को नहीं तोड़ पा रहे थे जिनवू वहाँ आता है और बोलता है ये सब लोग लो रैंक हंटर है टैंकर की वजह से ये लोग अभी तक फाइट में टिके हुए है जूही भी वहाँ सपोर्ट और

है ये टूटी तलवार किसकी है लेकिन जिनवू तो वहां से चला गया था और बोलता है बॉस पहले से ही कमजोर हो गया था जूही निन को देख लिया था और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होता है अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे बताना